भाई कह रहा है मेरे बहुत पैसा है, काफी पैसा है भाई, मसल वसल बना ली भाई ने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इस वक्त हूँ मैं अपने जीजाजी के यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और यहाँ से फिर मैं कहाँ निकलूँगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। गाइस, तुमने फ्रेंड के यहाँ से निकल चुका हूँ, अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे पहुँच के फिर आपको बताऊँगा। स्कूटर बुक किया है तो वो मुझे राइड देगा। तो गाइस, यूजुअली मैं बाइक पे राइड करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश वाला, और बारिश नहीं हो रही थी तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था। बट ओला में एक ऑप्शन आ रहा था बाइक राइड का, तो मैंने सोचा चलो बाइक राइड ही कर लेते हैं, क्योंकि मौसम भी सही है और जाने में भी इजी रहेगा, ट्रैफिक से बच बच के भी निकल जाएंगे। तो मेरे को ये आइडिया आया और इसलिए फिर मैंने बाइक राइड प्रेफर करी। बट जो ये बाइक वाले ने मुझे हेलमेट दिया, इस हेलमेट में बेल्ट ही नहीं थी, तो मुझे हाथ पे पकड़ के बैठना पड़ा इस हेलमेट को। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने दोस्त को मिलने के लिए। ये है राजौरी गार्डन का मॉल। भाई आ गया है, भाई से मिलते हैं। मरब्बा यार, भाई ने अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट करवा दी है और हम जा रहे हैं भाई के लिए फ़ोन देखने के लिए। भाई कह रहा है मेरे बहुत पैसा है, काफी पैसा है, कुछ नहीं मैं ले लूँगा फ़ोन। मैंने कहा ले, तू अभी ले। अच्छा है, जूम करना उसकी शक्ल, जूम कर उस चश्मे वाले की शक्ल, जूम कर। ये फोटो ले, फोटो ले। इसने भी देखो लाइन आ गया, अब मेरे ऊपर ही लिख रहा है। ये है भाई असली डिजाइनर की पहचान। भाई क्या क्या कर रहा है तू? भाई डायल घुमा। तो गाइस, पौरुष एक बहुत ही तगड़ा यूआई डिज़ाइनर है, तो इस ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखना, डिटेल्स देखना, इसको बहुत ही अच्छा लगता है देखना, क्योंकि ये वो भी यही सब करता है। इसे कहते हैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट अगर तुम हो तो तुम खो ही जाते हो, मतलब तुम्हें पता ही नहीं होता तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन तुम्हारे आसपास है, कुछ आइडिया भी नहीं होता है। तो गाइस, अब मैं अपने पौरुष भाई को अलविदा बोल चुका हूँ और यहाँ से निकलते हैं वापस घर। और घर जाके फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा मैं, और अगले दिन एक और प्लान बन रहा है तो वो भी जल्दी बताएंगे आपको। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ दूध देने, चाय बनाने के लिए, और चाय बनाएंगे, पियेंगे, फिर शुरुआत करेंगे दिन की। ले चुके हैं दूध का पैकेट, अब बनाएंगे चाय। जय गो माता। इस प्लान ये है कि अब मेरे जो मौसी जी के बेटे हैं हरीश भैया, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ नोएडा। गाइस, तो अभी मैं भैया के फ्लैट में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टाइम रुकूँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा अपने फ्रेंड के से मिलने। हाय गाइस, देखो मिलो कोको से। ये परी का कोको है, परी शर्मा रही है क्योंकि परी कह रही है मैं ब्लॉग में नहीं आना चाहती क्योंकि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पर मतलब कोई बात नहीं, कोको आएगा, है ना। इसका नाम कोको क्यों रखा, इसका नाम कोको क्यों रखा? अच्छा। तो गाइज, इसका नाम कोको भाभी ने नहीं, परी ने रखा है, और परी ने एक्चुअली इसका नाम सही भी रखा है क्योंकि इसका कलर कॉफ़ी ब्राउन जैसा है तो इसका नाम कोको पड़ा है, और इसीलिए मैं परी को देता हूँ 10 में से 10 मार्क्स। वेरी नाइस। तो गाइज, ये है हमारे हरीश भैया और इनका एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ चैनल है। अगर आप लोगों को अप टू डेट रहना है न्यूज़ के थ्रू तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही वेल नोन चैनल है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आप देख सकते हो। तो गाइज, ये प्रोडक्ट चिरंजीवी ग्रीनलैंड्स वालों का है और ये कंपनी भाभी की ही है। ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि सारे के सारे हैंडमेड होते हैं। हैट्स ऑफ टू द टीम जो इतनी डेडिकेशन के साथ इस प्रोडक्ट को बनाती है। गाइस, भाभी और यहाँ से मैं आ गया हूँ और अभी भैया ने मुझे ड्रॉप कर दिया वापस और जाऊँगा निर्माण विहार। वहाँ पे मेरा फ्रेंड है, वहाँ वो उसके साथ मैं थोड़ा सा हैंग आउट करूँगा और वहाँ से निकलूँगा जैसलमेर की तरफ, देखते हैं कैसे जाता है ट्रिप। तो गाइस, दिल्ली में इतने सारे जानने वाले हैं दोस्त, बट उनसे मैं बहुत मतलब टाइम कम था तो इसलिए मिल नहीं पाया, बट नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। बट फिलहाल के लिए मैं अपने एक और फ्रेंड से मिलने आया हूँ, कौशिक से, और वो एक्चुअली मेरे कॉलेज का फ्रेंड है और सेम प्रोफेशन में है हम लोग,
और उससे मिलके फिर मैं प्लान कर रहा हूँ आगे उदयपुर या जैसलमेर जाने का। बट हाँ ये है कि मुझे राजस्थान घूमना ही घूमना है, तो देखते हैं भाई। मसल वसल बना ली भाई ने। हेलो ब्रदर, कैसा है? बस बढ़िया। बॉडी जिम जा रही क्या? हाँ यार, वेट कम मिला था भाई साहब। सही बन गई थी। कौशिक भाई ने मुझे ट्रेन किया है, पूरा सीडियो में जितना भी है सब सिखाया है, कैरेक्टर वगैरह बस हो गए थे। और मैं, ये मेरा गुरु है और हमेशा रहेगा भाई। थोड़ा शॉपिंग कर रहा है। तो गाइज हमने टाइम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर लिया है भाई के साथ, तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज अपने दोस्त से तो मिल गया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस साकेत जहाँ पे मेरे भैया रहते हैं, और वहाँ से हम जाएंगे राजस्थान घूमने और देखते हैं कैसे जाएगा राजस्थान का ट्रिप। देखो इतना लेट आ रहे ऑफिस से, ये देखो यहाँ, और हम यहाँ बेचारे वेट कर रहे कब आएंगे भैया, कब आएंगे। सारे सबूत रखना भाई, तो सारे सबूत रखने पड़ते भाई। कैसे भैया? बढ़िया। कैसा है? ये देखो हमारे भैया हैं और आज हम निकल रहे हैं रात की ट्रिप में भाई। यहाँ पे लोकेशन बता देते रहिए सही के कि दिल्ली से निकल रहे हैं, इतने घंटे का रास्ता। हाँ, सब बना के चलिए। सब बना के चलेंगे भैया, सब बना के चलेंगे। ओके भाई, बिल्कुल बना के चलेंगे। ये आज का, ये बताओ आपका मूड कैसे बन गया आज घूमने का, ये बताओ पहले। आप तो आया, मूड क्यों नहीं बनेगा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल YouTube वाली बात। बहुत अच्छा लगा भैया, सुनसे आपने हाँ बोला ना एकदम से, मैं खुश हो गया। प्लान उलान तो है नहीं ऐसे, तो फिर छुट्टी भी पड़ रखी है मैंने। बहुत सही किया आपने। आप जैसलमेर घूम रखे हो ना? मैं वहाँ घूमा हूँ, उदयपुर नहीं गया ना। हम उदयपुर नहीं, हम कहीं और गए थे। हाँ। मैंने अभी दोस्त से पूछा कि हम वहाँ गए थे, तो वो अजमेर शरीफ साइड में कहीं गया हुआ था। अच्छा, वहाँ पे हमने घूमा था, वो बहुत अच्छी जगह थी। हाँ। लेकिन कह रहे हैं उदयपुर भी अच्छी जगह है और जैसलमेर भी अच्छी जगह है। तो गाइज अभी कंफ्यूजन ये है कि उदयपुर जाएं या जैसलमेर जाएं, क्योंकि जगह दोनों ही अच्छी हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा, बट जैसे भी होगा देखते हैं आगे। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ भैया के घर पे बुआ से मिलने के लिए और मामा जी से मिलने के लिए, और इनसे मिलने के बाद थोड़ा डिनर करके निकलेंगे हम। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 या 12 बजने वाले हैं, और यहाँ से फिर निकलेंगे। तो और हमारा एक और फ्रेंड हमारा इंतज़ार कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे, तो उसको पिक करके फिर हम निकलेंगे। देखते हैं कहाँ जाएंगे, जैसलमेर या उदयपुर। अब बताओ क्या क्या काम कर, क्या क्या पढ़ाई, पहले पढ़ाई क्या क्या करते हो बताओ, पहले पढ़ाई करते हो। इसमें बताओ। मूड नहीं अभी उसको बात करने का है। क्या हुआ चिब्बू को? इधर आओ। अभी को आज पहली बार देख रहा। हाँ नहीं, भाभी आई कहाँ थी शादी में? अच्छा, पार गोलू को भी देख रखा आपने? आप तो चिड़िया हो, चिड़िया इस घर की, इस घर की चिड़िया हो आप। हाँ, कभी इधर कभी उधर। खाना खाने के रेडी। गाइस बुआ ने हमारे लिए डिनर बना दिया है और अब हम डिनर करके निकलते हैं यहाँ से, और तो फ्रेंड को पिक करेंगे मेट्रो पे। और अभी भी हमने डिसाइड नहीं किया है कि उदयपुर जाना है या जैसलमेर जाना है, बट कोई बात नहीं, कोशिश जारी है। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं भैया के घर से, और अब हम निकल रहे हैं कहाँ, जैसलमेर। Yes. और प्लान हमारा एक्चुअली जाने का था जो उदयपुर, बट हम वहाँ नहीं गए क्योंकि और दूर जाना है हमें और दूर जाना है, हमें पास नहीं जाना। 700 किलोमीटर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए है 800 किलोमीटर 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो हम अब प्लान कर रहे हैं जैसलमेर जाने का, और बीच बीच में हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा सा नवीन भैया भी थोड़ा गाइड करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरफ जा चुके हैं, तो उनको आइडिया है ज़्यादा। तो अच्छा रहा कि नवीन भाई हमारे साथ चल रहे हैं, तो वो बेस्ट चीज़ है। और एक और बंदा आने वाला है, दीपिका का पति रणवीर, उसका नाम रणवीर है इसलिए मैंने ऐसा बोला। जोक था। पहले अपने दोस्त को पिक करेंगे साकेत से, और फिर वहाँ से निकलेंगे हम जैसलमेर की ओर। बीच बीच में रास्ते की अपडेट देते रहेंगे, और बीच बीच में रास्ते की अपडेट आपको देते रहेंगे। ये आया हमारा भाई, एक और दीपिका का पति रणवीर सिंह। क्या हाल है? यहाँ पे डाल रहे हैं पानी क्योंकि गाड़ी जो है वो गर्म होने का नाम ले सकती है, इसीलिए थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए पानी डाला जा रहा है गाड़ी में। तो इसलिए आने देखो व्लॉग में आने। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं? रात के 1 बज रहे हैं, हम साथ 1 बज रहे हैं, और हमारा दीपिका का पति आ चुका है।
भाई ये कह रहा है इसकी लाइफ में दीपिका नहीं है लेकिन नाम रणवीर है। बिल्कुल नहीं, दीपिका इसको देखे तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। हाँ बस अभी रात के बज रहे हैं, कितने एक बज रहे हैं और हमारा प्लान है यहाँ से हमारा टारगेट है कि हम दो बजे तक पहुँच जाए जैसलमेर, दो तीन बजे तक पहुँच जाए। हाँ जी कल भाई किसी बातें कर रहा है मतलब ऐसा। लेकिन भाई एक जरूरी बात बताना भूल गया तेरे को, ट्यूजडे को आएंगे वापस हम? ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब वहाँ इधर वहाँ जा रहे हैं और जैसे टच करके पैर आ जाएंगे। हाँ निकल भी सकते हैं ऐसा मतलब 100% नहीं है, लेकिन 1% हम चांस लेके चल रहे हैं कि मैंने अभी नया ज्वाइन किया ना। हाँ मैं समझ गया, उसकी तो रिक्वायरमेंट मेन होती है। हाँ लेकिन मैं ये कहूँगा कि उदयपुर गाइस अभी वीडियो देखी है और हमने अभी देखी है वीडियो जैसलमेर की और हमने देखा है कि वहाँ पे रेत ही रेत है और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ नहीं जाएंगे। और अब हम मेरा प्लान बन रहा है हम जाएंगे उदयपुर हाँ। का प्लान बन रहा है हाँ। लेकिन हम वीडियो वो एडिट करेंगे हाँ। जहाँ हम जा रहे होंगे तो हाँ। कंफ्यूजन है अभी कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अभी हमारा प्लान बन रहा है कि अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली उदयपुर, क्योंकि एक तो टाइम बच जाएगा हमारा और उसके बाद टाइम के साथ साथ व्यू भी अच्छा है उदयपुर का, तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। इसीलिए हमारा मेन रीज़न वहाँ ही जाने का। और सॉरी भाई आप तेरा मन था जैसलमेर जाने का, वहाँ पर सपना पूरा नहीं हो पाएगा इसका। गाइस पहला टोल आ चुका है और ये आपका टोल जो है ये गुड़गांव से बॉर्डर क्रॉस जब हो रही होती है, अब ये दूसरा वो आ गया ना, पहला टोल है ये। और यहाँ पे भैया अपने धुन में मगन। तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों की गाड़ी सीएनजी से चलती है तो बेटर है कि सीएनजी आप पहले से डलवा के चलें, क्योंकि हाईवे में बहुत ही कम सीएनजी पंप से आते हैं, एक है, लेकिन उसके बाद बहुत मतलब लंबा जाना पड़ेगा आपको सीएनजी पंप के लिए, तो ऐसे कंटिन्यूशन में नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि आप सीएनजी को पूरा डलवा के चलें, पहले से अवेयर रहें। दिल्ली क्रॉस करोगे, गुड़गांव क्रॉस करोगे, उसके 60 किलोमीटर बाद आपको एक सीएनजी पंप पड़ेगा। हाँ उसके बाद तब सीएनजी पंप का कुछ पता नहीं है। तो अभी हमें बड़ी मुश्किल से एक सीएनजी पंप मिला है और उन्होंने बोला है थोड़ा सा दूसरे उसमें से स्पॉट में जाने के कर दो भैया। ये हमारी सीएनजी भर रही है भाई की पावर। और हमारे भैया का नाम है क्या, भैया का नाम अजय। अजय और हमारे भैया ने बताया कि जगह का नाम है बावन और यहाँ पे ये स्पॉट पे आपको सीएनजी मिल जाएगी है ना। हाँ अब बताइए नेक्स्ट वाला कहाँ पे पड़ेगा, ये अभी पिकअप पॉइंट है। सो गाइस इट्स फाइनली डिसाइडेड कि अब हम उदयपुर जा रहे हैं और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और इसी व्लॉग के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आप इस चैनल में बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। And all this useless information.